हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन स्टडी टाइम। इसमें ये ईबीएस की बुक है, सेकंड स्टैंडर्ड की बुक है ये, और इसका ये चैप्टर नंबर 2 है। देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 है। ये आज मैं आपको यहाँ पे स्टेइंग हेल्दी कैसे रहना चाहिए, ये चैप्टर है स्टेइंग हेल्दी। सो मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, चलो तो हम देखते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका इजी लगता है, आपको सब समझ में आता है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड और नर्सरी और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए आपको पढ़ाती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मुझे मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कीजिए और घंटी वह दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, मैं जो पढ़ाने जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी वो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो देखिए, स्वामी एंड शरद आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्वामी इज हेल्दी एंड क्लीन, शरद इज अनहेल्दी एंड डर्टी। कैन यू से हु इज स्वामी एंड हु इज शरद? सो आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कौन स्वामी है और कौन सा आपको बच्चा शरद दिख रहा है। सो प्लीज आप देखिए, गैस कीजिए, जो गंदा है वो अनहेल्दी है वो शरद है और ये स्वामी है। ओके सो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी। वी नीड टू फॉलो सम गुड हैबिट्स टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी। ओके लेट अस फॉलो दीज गुड हैबिट्स। टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। हमें डेली नहाना चाहिए साबुन और पानी के साथ। ओके हमें डेली नहाना चाहिए। देखिए ये बच्चा नहा रहा है, देखो यहाँ पे ये बच्चा नहा रहा है यहाँ पे। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। सो एंड नेक्स्ट इधर देखिए, कीप द टॉयलेट सीट क्लीन। आपको आपके टॉयलेट का जो सीट होता है उसको क्लीन रखना चाहिए हमेशा, वो गंदा रहेगा तो वहाँ पे जर्म्स आएंगे। सो वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। से यू नो मील्स, व्हाट इज मील्स? जो भी हम खाना खाते हैं उस भोजन उसको मील बोलते हैं। ओके सो वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। आपको खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। ओके अगर आपको पढ़ने का मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, ईबीएस, मैथ एंड जीके, तो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू। कट नेल्स रेगुलरली। ओके सो कट नेल्स हमें अपनी कट करना चाहिए एवरी संडे व्हेन
योर ऑफ डे, ओके, वॉश, वियर क्लीन क्लोथ्स एवरी टाइम, वी कीप वियर क्लीन क्लोथ्स, आपको हमेशा स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. सो वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम रॉ, अगर आप कच्चे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो आप उनको वॉश करना चाहिए, तो उनको वॉश करके ही खाना चाहिए. ओके, सो वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम रॉ. ओके बच्चों, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. ओके, हमें एक ग्लास दूध तो पीना ही चाहिए पर डे. बच्चों बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते हैं, और मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, आपको अपनी हाइट अच्छी रखनी है, मतलब आपको लंबाई थोड़ा ज़्यादा लंबा होना है, तो आपको दूध पीना चाहिए, और इससे हमारी बोन्स बहुत हेल्दी होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. सो आपको दूध तो पीना ही चाहिए. ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. ओके, सो देखिए नेक्स्ट, गुड हेल्थ मेक्स द फैमिली हैप्पी. तो अच्छी अगर हेल्थ होगी तो क्या होगा, हमारी फैमिली मेंबर्स सब खुश होंगे. अगर आपके यहाँ कोई भी एक लोग बीमार हो जाएगा तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या हो गया. इसलिए आपको गुड हेल्थ मेक्स द फैमिली हैप्पी, तो हमारे घर में अगर सब लोग सही होते हैं तो हम लोग खुश होते हैं. ओके, सो एक्सरसाइज डेली, आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए बच्चों. ओके, तो एक्सरसाइज करने से क्या है, हम हेल्दी होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है. हेल्दी चिल्ड्रन स्टे हैप्पी, हेल्दी चिल्ड्रन स्टे हैप्पी. हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं तो अच्छे खुश रहते हैं, वो लोग अच्छे रहते हैं. ओके, स्लीप ऑन टाइम, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे मेन बात ये है कि आपको स्लीप एंड टाइम अच्छा होना चाहिए. आपको जल्दी सोना है एंड जल्दी जगना है. ओके, जल्दी सोना है एंड जल्दी जगना है. ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे, आपको पानी कम से कम 5-6-7 गिलास तो आपको पानी पीना ही चाहिए, तो ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे. ओके बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और इजी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. द वे वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी स्टैंड सिट स्लीप और वॉक इज कॉल्ड पोस्चर. वी शुड स्टैंड walk and sit straight in the correct posture. If we do not maintain the right posture, we may get pain in the back, head and neck. तो इसका क्या है, अगर आप गलत तरीके से बैठेंगे, गलत तरीके से खड़े होंगे, गलत तरीके से उठेंगे, तो आपकी नेक में, बैक में एंड हेड में पेन हो सकता है. सो आप अगर एकदम करेक्ट पोजीशन में आपको बैठना है और उठना है, खड़े होना है, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो. ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गुड हैबिट्स के बारे में बताया है. सो देखिए गुड हैबिट्स क्या होते हैं, देखो गुड हैबिट्स क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे गुड हैबिट्स. हमारे अंदर जो गुड हैबिट्स होंगे तो क्या होगा, बीइंग हेल्दी मींस बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड, कीपिंग क्लीन
एक्सरसाइजिंग, ये गुड हैबिट्स की बातें हैं। बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड, कीपिंग क्लीन, एक्सरसाइजिंग। ओके, सो पॉस्चर में देखिए क्या क्या आता है। स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग स्ट्रेट। आपको एकदम स्ट्रेट पॉस्चर में बैठना है, अच्छे से चलना है, अच्छे से बैठना है एंड अच्छे से खड़े रहना है, तो उसको पॉस्चर में अच्छे से बोलते हैं। ईटिंग हेल्दी मीन्स ड्रिंकिंग मिल्क एंड वाटर, ड्रिंकिंग मिल्क एंड वाटर, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ईटिंग हेल्दी है ये, आप अच्छा खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका इजी लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइए, तो मुझे पता चलेगा। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है और मुझे भी बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू। चलो अभी हम यहाँ देखते हैं। We need to follow some good habits to stay clean and healthy. हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका कुछ गुड हैबिट्स जो होती हैं हमें फॉलो करनी चाहिए स्टे क्लीन और हेल्दी रहने के लिए। ओके, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ ब्रश एवरी डे, वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। ओके, सो हमें ब्रश करना चाहिए, एक दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। अगर आपको लगे तो आप रात को भी ब्रश करके सो सकते हैं, बिकॉज़ आप कुछ खाते हैं, दूध पीते हैं, तो वो रात को हमारे मुंह में रह जाता है, उसके छोटे छोटे कण रह जाते हैं, तो आप मुंह ब्रश करके सो सकते हैं। टेक अ बाथ एवरी डे आपको नहाना चाहिए, वेयर क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स। ओके, सो आपको खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद आपको हैंड वॉश करना चाहिए। हेल्दी फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। अगर फैमिली में सभी लोग हेल्दी रहेंगे तो वो सब लोग खुश रहेंगे। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक इनफ वाटर, वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक इनफ वाटर। बच्चों मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं एक बार बोलूँगी, शायद आपको ना समझ में आए तो आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा और मैं यहाँ समझाऊँगी भी। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक इन अ वाटर। हमें कम से कम जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना हमें पर्याप्त भोजन करना चाहिए और उस लिमिट से पानी पीना चाहिए। ओके, थैंक यू। सो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़, और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वी विल मीट नेक्स्ट अगेन। Okay, thank you.